सीरियसली अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे मेरे 1K सब्सक्राइबर्स बराबर हो गए। तो अब मज़ीद थोड़ी मेहनत फिर इंशाल्लाह हमारा चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा और हमारा अर्निंग स्टार्ट होगा। तो जैसे ही अर्निंग स्टार्ट होगा इंशाल्लाह सबसे पहले मैं अपने लिए नया मोबाइल लूँगा। मगर क्यों? क्योंकि इस कमीने के फ्रंट कैमरे में धूल जमे हुए हैं, क्योंकि सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तू समझा? हाँ। लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैसे भाई फौजी? मेहनत कर रहे हो? मेहनत कर रहा हूँ, गरीब बंदा हूँ। मैं गरीब हूँ। नया ले लो। हाँ बहुत गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ। 15 Pro Max. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जब भी फ्री होते हैं तो क्रिकेट का मैच लगा लेते हैं। जालिम दोस्त पहले से वहाँ था तो वडेरे का बेटा भी आ गया। वडेरे ने आप सबके लिए एक मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज राज बलोच ने एक मन्नत मांगा है। इसने बोला कि आज मेरा अगर चैनल मोनेटाइज हुआ है तो मैं अपना सर गंजा करूँगा। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब इसको फॉलो करें, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं और वॉच टाइम पूरा करें ताकि इसका सर हम गंजा देख सकें। गंजा देख सके टिंडे भी। जिनको मैं अपना दोस्त समझता था वो तो आस्तीन के सांप निकले। थोड़ी देर बाद हमारा कैप्टन भी आ गया और हमारा लांटवा भी आवत रही। पता नहीं हमारा देवदास दोस्त कहां से आ टपक पड़ा। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी जमाने को जला दूंगा मैं। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि आज हमारे दोस्त बाबू शाह हुसैन ने अपने बैठक पे बुलाया है हमें। शाका आगे आगे था, हम उसके पीछे पीछे थे, लेकिन शाका गलत रास्ते में घुस गया। थोड़ा सफर तय करके सिर्फ कुछ ही देर बाद हम बाबू शाह हुसैन के बैठक तक पहुंच गए, जहां पर बाबू ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया। गांव बसा नहीं कि पहले कुत्ते पहुंच गए। यहां पर कुछ ऐसा ही सीन हुआ, जैसे ही हम पहुंच गए मेरे सारे दोस्त भीगे नंगों की तरह वहां पर पड़े हुए नजर आ रहे थे। बाबू के बैठक में सारे सहूलत मौजूद थे, सारे के सारे मस्त माहौल में बैठे हुए थे कि तभी हमारा लांटवा किसी बात पर गुस्सा हुई गवाह। यहाँ पर शाका को मैं अपने इशारों के अल्फाज में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग समझा रहा था कि तभी हमारा लांटवा फिर से नाराज हुई गवाह। थोड़ी देर देवदास दोस्त के साथ बैठने के बाद वडेरे का बेटा खामखा सैड होने लगा। जिस घड़ी का मुझे और मेरे कमीने दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। ये देवदास वाला वबा तो बहुत तेजी से फैल रहा है। बाबू जान चाय पीकर तो मजा ही आ गया। बाबू मेहरबानी यार। बाबू शाह हुसैन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े अपने घरों की तरफ, बट रास्ते में ही शाका के बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। मुझे घर पहुंचाने के बाद मुल्ला कायदे आजम और वडेरे का बेटा भी चला गया। गौर से देखो इस कमीने को, जब भी देखो ये मेरे गली में पहुंचा हुआ होता है। फिर शाम के टाइम जालिम दोस्त के साथ अंबानी के घर के पास से गुजरते हुए सीधा चले गए हमारे लांटवा को उठाने, जहां पर हमें शेरबाज बलोच भी मिले। उसके बाद हम सीधा चले आए 5-स्टार में। लगता है मुल्ला कायद आजम को भी देवदास वाला वबा चढ़ गया है। शम्स बलोच, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया।
बाबू मान जाओ ना प्लीज यार। एक मिनट, ये मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया वो कंपनी।